कमिश्नर बादल चटर्जी ने मारा छापा। सीवाई चिंतामणि रोड पर दवा की दुकान में देखे जा रहे थे मरीज। वरिष्ठ सर्जन SVS चौहान पकड़े गए। होगी वैधानिक कार्रवाई, लिखा जाएगा शासन को। ये देखिए, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कि प्राइवेट प्रैक्टिस डॉक्टर नहीं करेंगे, शासन का भी आदेश है। और जो डॉक्टर्स हैं सभी नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस लेते हैं। इनका काम है कि ये मरीजों को मेडिकल कॉलेज में देखे। अगर ज़्यादा मरीज आ रहे हैं तो थोड़ा ओवर टाइम वहाँ पर बैठ के देखे। लेकिन मुझे जानकारी मिली, डॉक्टर SPS चौहान यहाँ पे हैं, ये मेडिकल कॉलेज के बड़े वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर हैं और न्यूरो के जो है डॉक्टर हैं। हमें पता चला कि वो यहाँ पे प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पे नाम हम नहीं लगाया और मैं यहाँ पर जब आया तो देखा कि वो पीछे से वो भाग रहे थे। मैं उनको पकड़ लिया और यहाँ पे प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो है सब लोगों का बयान लिया जा रहा, जो पेशेंट बैठे हुए हैं उनसे क्या कितना पैसा ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं। और सबसे आश्चर्यजनक चीज़ है कि एलोपैथी के डॉक्टर हैं, आयुर्वेद के तमाम दवाई अंदर रखा हुआ है। उस आयुर्वेद दवाई को जो है ये हर बताते हैं लोगों। हमको पहले मालूम चला था कि लोगों को जो है वो आयुर्वेद की एक एक बोतल उनको थमा देते हैं, है ना। इस तरीके से गरीब आदमी के ऊपर देखिए, वो कहाँ से पैसा इकट्ठा करके किसी तरीके से वो दवाई इलाज करा रहा है। और उसके ऊपर आप अगर दो तीन दवाई अनावश्यक रूप से लिख देंगे तो वो तो जानता नहीं, वो गरीब आदमी, उसके ऊपर कितना बड़ा बोझ पड़ेगा। और इसीलिए हम लोग ने जो है यहाँ पे किया। और हम लोग चाहते हैं कि इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज की पुरानी गौरव फिर से लौटाए, डॉक्टर लोग अच्छी तरह देखें मरीजों को और वार्ड में भर्ती हों लोग, और वहाँ पर जो है सफाई व्यवस्था बढ़िया हो, दवाई अंदर से दें और अच्छी तरह जो है लोगों की सेवा करें। और ये पूरी रिपोर्ट मैं हाईकोर्ट के सामने प्रस्तुत करूंगा और शासन को भी लिखूंगा। मेरा एक एक रिपोर्ट बन रहा है और सबके खिलाफ हाईकोर्ट ने हमको कहा है कि एविडेंस के साथ आप प्रस्तुत करिए, तो मैं एविडेंस यहाँ पे ले रहा हूँ आप लोगों के सामने। हाँ, हमारे VC ADS साहब आए हैं, बता रहे हैं कि कमर्शियल ये नक्शा पास नहीं है, तो आपको अभी हम लोग सील कर देंगे इसको, ये सील हो जाएगा, है ना। डॉक्टर पकड़े गए, डॉक्टर के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं? अब डॉक्टर के खिलाफ देखिए, शासन को हम लोग एक लिख के भेज सकते हैं। हम लोग और ड्रास्टिक एक्शन ले सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है और नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस लेकर ये शपथ लेकर जो है डॉक्टर बनते हैं और शासन के आदेश के अनुसार इनको जो शासन की जो तौर तरीका है उसी के अनुसार इनको प्रैक्टिस करना चाहिए मेडिकल कॉलेज में बैठकर। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस ले रहे हैं तो ये शासन एक ट्रस्ट देता है इनको, एक ट्रस्ट में जो है डॉक्टर को भेज रहा है। हम लोग सभी को, जितने भी सरकारी आदमी, सबको ट्रस्ट के रूप में जो है शासन भेजता है, तो ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहे हैं। और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में 409 IPC का केस बन सकता है, जो कॉग्निजिबल ऑफेंस है, जिसमें अच्छा खासा सजा है। हम लोग चूंकि डॉक्टर हैं तो हम लोग उस लेवल तक नहीं जाएंगे, लेकिन इनके खिलाफ निश्चित रूप से शासन को और सबको लिखकर कार्रवाई करने का लिखे थे। हाँ, अभी हम लोग सील कर देंगे। अच्छा, एक मामला और आया है।